दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप अब खत्म हो चुका है, लेकिन कतर के पास अब भी वाट वर्ल्ड क्लास स्टेडियम है जिन पर उन्होंने 20,000 करोड़ डॉलर से ज्यादा खर्च किया है। मतलब ये है कि कतर के पास कोई वर्ल्ड क्लास फुटबॉल टीम भी नहीं है और ना तो वो दूसरे गेम्स में इतना आगे है, जिस वजह से ये स्टेडियम कोई काम के नहीं है। इसलिए लोगों के दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि कतर अब इन स्टेडियम का क्या करने वाला है, क्या उनके पास कोई सॉल्यूशन है। चलिए आज इस वीडियो में हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राइम स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों कतर की प्रॉब्लम कोई यूनिक नहीं है। अगर हम पिछले फीफा वर्ल्ड कप की तरफ नजर डाले तो ये रशिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका में हुए थे और इनके सामने भी कम मुश्किलें नहीं आई थी। अगर हम रशिया के केस में ही देखें तो उन्होंने 20,000 करोड़ तो नहीं मगर 1,600 करोड़ स्टेडियम पर खर्च किया था, जिसके बाद उन्होंने स्टेडियम को डोमेस्टिक टीम को रेंट पर देना शुरू कर दिया ताकि इससे स्टेडियम की मेंटेनेंस का खर्चा निकलते रहे। लेकिन रशिया की टीम भी स्टेडियम को भरने में पूरी तरह फेल हो जाती है। ये टीम ज्यादा से ज्यादा 6,000 स्पेक्टेटर को स्टेडियम तक ला पाती है जो कि स्टेडियम की कैपेसिटी का सिर्फ 15% है। इसके बाद हम रशिया के कालिनीग्राद स्टेडियम की बात करें तो इसमें कीचड़ और पानी से इतना नुकसान हो गया था कि इसकी मेंटेनेंस में जितना खर्च आया उतना पैसा ये स्टेडियम अगले कई दशकों तक रिकवर नहीं कर सकता है, और इसकी ओरिजिनल कॉस्ट को तो भूल ही जाइए। लेकिन हाँ, रशिया ने अपने कादान अरीना स्टेडियम को ट्रांसफॉर्म किया था, इसे फुटबॉल स्टेडियम के साथ साथ मल्टीपर्पज वेन्यू में बदल दिया था, जहाँ फुटबॉल मैचेस के साथ साथ कॉन्सर्ट, कार शोज और फैशन शोज भी करवा रहे हैं। ब्राजील के साथ भी यही परेशानी थी, वहाँ पर एक फुटबॉल का कल्चर होने के बावजूद भी वहाँ के लोग स्टेडियम को भरने में असमर्थ रहे हैं और आज वहाँ के स्टेडियम बिल्कुल ही खाली पड़े हुए हैं और टैक्स पेयर पर बोझ बने बैठे हैं। वहाँ के स्टेडियो नेशनल स्टेडियम को तो उन्होंने बस शेल्टर में कन्वर्ट कर दिया है। अरीना दास दुनाद स्टेडियम शादी और बच्चों की पार्टियां करके अपनी कॉस्ट को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इस स्टेडियम में आज तक सिर्फ 4 वर्ल्ड कप मैचेस ही होस्ट किए गए हैं और इन 4 मैचेस की कॉस्ट आज तक वो स्टेडियम भर रहा है। साउथ अफ्रीका के दुर्बान शहर में जो मोसिस मोबिदा स्टेडियम बनाया गया था वो रशिया और ब्राजील से काफी अच्छी हालत में है, क्योंकि वहाँ पर म्यूजिक कॉन्सर्ट के साथ साथ विजिटर स्काई कार राइड और बंजी जंपिंग के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन इस 65,000 की कैपेसिटी वाले स्टेडियम ने भी आज तक प्रॉफिट नहीं कमाया है। बात करते हैं कतर की। कतर को ये स्टेडियम बनाने से पहले ही पता था कि उनकी बाद में क्या हालत होने वाली है, क्योंकि इन स्टेडियम की कैपेसिटी 4.2 लाख है, जबकि कतर की पॉपुलेशन में सिर्फ 4 लाख ही कतरी सिटीजन है, बाकी सभी वो लोग है जो काम के सिलसिले में वहाँ पर रहते हैं। जब रशिया और ब्राजील की बड़ी पॉपुलेशन ने स्टेडियम को नहीं भर पाई तो कतर के लिए काफी मुश्किल होगा, और जिस तरह से ये वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था, ऐसा लगता नहीं है कि फीफा वहाँ पर दोबारा वर्ल्ड कप करवाना चाहेगा। कतर ने पहले से ही इन स्टेडियम के लिए प्लान बनाया था। कतर इन्हें फुटबॉल फैन से नहीं भरेगा बल्कि इन्हें पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने में लगा हुआ है। उनके 2 बड़े स्टेडियम लुसाइल और अलबैत है। लुसाइल स्टेडियम की ज्यादातर सीटों को वहाँ से हटा दिया जाएगा और उनकी जगह यहाँ पर शॉप्स, कैफेज, एक स्कूल के साथ साथ एक हेल्थ क्लिनिक का प्लान बनाया गया है। इसके साथ साथ हो सकता है कि यहाँ पर आपको कुछ अपार्टमेंट बिल्डिंग देखने को मिल सकती है। अगर अलबैत स्टेडियम की बात करें तो वहाँ पर कुछ अलग प्लान नहीं है। यहाँ पर कतर एक 5-स्टार होटल के साथ साथ शॉपिंग मॉल और एक हॉस्पिटल खोलने वाला है। दोनों भी स्टेडियम की मेन पिच को छेड़ा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्पोर्ट टूर्नामेंट को होस्ट करने के बजाय कम्युनिटी इवेंट को होस्ट करेंगे। इसके बाद अब आते हैं अल जनूब स्टेडियम, अल तमाना स्टेडियम और अहमद बिन अली स्टेडियम की तरफ। इन तीनों ही स्टेडियम को फुटबॉल स्टेडियम की तरह ही बरकरार रखा जाएगा, लेकिन इनकी कैपेसिटी को कम कर दिया जाएगा और इनमें लगी हुई टेम्पररी सीट को उखाड़ कर दूसरे देश के स्टेडियम को डोनेट कर दिया जाएगा। रशिया ने अपने 71 स्टेडियम के साथ में कुछ इसी तरह का किया था, लेकिन अभी भी ये स्टेडियम काफी अंदर यूटिलाइज रहेंगे, क्योंकि यहाँ की जो कतरी लीग है वहाँ पर कभी भी 20,000 स्पेक्टेटर नहीं आने वाले। इनकी लीग में जनरली 500 से 800 ही ऑडियंस ऑब्जर्व की जाती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग स्टेडियम की तरफ, स्टेडियम 974। ये स्टेडियम दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी स्टेडियम है और अब माना जा रहा है कि आने वाले समय में ऐसे स्टेडियम हमें दुनिया में और भी ज्यादा देखने मिल सकते हैं। इसका कारण यह है कि इस स्टेडियम को रिसाइकल शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है। इसे कभी भी डिसमेंटल किया जा सकता है, यानी एक तरह का मूविंग स्टेडियम भी है, जिसे आप इसे एक टेंट की तरह एक जगह पर सेट भी कर सकते हैं। 5 दिसंबर ब्राजील और साउथ कोरिया के मैच के बाद ही इस स्टेडियम का डिसमेंटल प्रोसेस शुरू हो गया था, और अब खबर यह है कि इसके सारे पार्ट को उरुग्वे भेज दिया जाएगा, जहां पर 2030 का वर्ल्ड कप होने वाला है। खैर, अब कतर ने इन स्टेडियम की कॉस्ट को रिकवर कर
करने के लिए यूज केस ढूंढ ही लिया है। कतर का प्लान ये है कि 2024 में होने वाले एशियन कप में इन्हें यूज करें। एशियन कप भी एक इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें एशिया और ओशिनिया की टीम पार्टिसिपेट करती है और इन स्टेडियम का यूज 2030 एशियन गेम्स में भी होने वाला है। इसी तरह वो दुनिया के और भी इंटरनेशनल इवेंट को होस्ट करने की तैयारी कर रहा है जैसे कि 2036 ओलंपिक। दोस्तों आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में स्पोर्टिंग इवेंट का क्या होने वाला है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।